रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर 10 साल में आर्कटिक ओशन की 12.6% बर्फ पिघल रही है। नॉर्थ अटलांटिक वाटर में बदलाव हो रहे हैं, जिसे अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2000 साल के बाद से आर्कटिक ओशन की बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघली है। साइंटिस्ट का कहना है कि अटलांटिफिकेशन ऑफ आर्कटिक ओशन आर्कटिक डिपोल की वजह से हुआ है, इसके चलते आने वाले समय में बर्फ और पिघलेगी। दरअसल आर्कटिक डिपोल के चलते दक्षिणी हवाएं तेजी से आर्कटिक महासागर में पहुंचती हैं, इसके चलते बर्फ तेजी से पिघल जाती है। आर्कटिक में गर्मी बढ़ने की दो वजह है। पहली, बर्फ की तुलना में समुद्र का पानी अधिक गहरे रंग का है, जो गर्मी ज्यादा सोखता है और छोड़ता कम है, इससे ज्यादा बर्फ पिघलती है। दूसरी, परमाफ्रॉस्ट की वजह से। दरअसल आर्कटिक में ज्यादातर जमीन हमेशा बर्फ में जमी होती है। इसमें कई सारे ऑर्गेनिक पदार्थ फंसे होते हैं, जिसमें दुनिया के कार्बन का ज्यादा हिस्सा जमा है। इनके पिघलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे बर्फबारी का मौसम घट रहा है और जंगल में आग लगने की अवधि बढ़ रही है। आर्कटिक के ग्लेशियर में बर्फ पिघलने से भारत में तूफानी बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाओं के भी बढ़ने की आशंका है। एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरह से गायब हो सकते हैं, यानी 7 साल बाद गर्मियों में यहाँ बर्फ नजर नहीं आएगी।